चलिए वेलकम गाइस। तो हम लोग आ जाएगा मेरी पहली वीडियो लेकर प्लस वन कॉमर्स के लिए। तो पहले तो वो बच्चे जो भी टेंथ पास आउट करके या जो अभी जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है वो प्लस वन में आने वाले हैं, उनके लिए पहले तो दिमाग में उनके होगा कि वो ले क्या रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं। और वो बच्चे जो अभी कॉमर्स स्ट्रीम लेकर बच्चे कॉमर्स में आने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए, ताकि उनको मैं उनका बेसिक कॉमर्स का बेसिक समझा सकूँ, सिखा सकूँ कि वो कॉमर्स में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो दिमाग में डाउट मत रखना बच्चे कि आप लोग कोई आसान स्ट्रीम में आए हो। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम भी कोई आसान स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, जिनको लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम आसान स्ट्रीम है तो उनको बोल के देखिए कि वो लोग खुद कर देते हैं लिमिट, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा मकसद है आज आपके दिमाग में आपको ये बताना कि आप कॉमर्स में क्या करने वाले हो। तो बेसिक्स यहाँ से हम करने वाले बच्चे, आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठे होंगे, आपके पास बुक्स हो गया, बुक्स में देखेंगे तो आपका बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग उस चैप्टर को शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारी जो चैप्टर की शुरुआत है मैं शुरू करने वाला हूँ हमारे सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे बच्चे बेसिक टर्म्स होने के बाद, मीन्स सेकंड चैप्टर होने के बाद। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें हम जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो बेसिक टर्म्स सीख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ताकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स ऐसे आ जाते हैं बच्चे, जब हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जिनके बारे में अभी आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोग टेंथ करके आए हो, टेंथ में आप लोगों ने सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये सब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और जब आप प्लस वन कॉमर्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो बिजनेस सॉरी इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का, तो उसमें आपके दिमाग में बहुत से सवाल पैदा होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे कि ये सब चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। तो वो डाउट्स ना स्टार्ट हो, तो वो डाउट्स पहले से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ कि आप लोग जो पढ़ने वाले हो उसमें क्या क्या चीज़ आप लोग सीखने वाले हो, समझने वाले हो। तो इसलिए पहले हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग हमारे बिजनेस टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग में हमारे फुल ऑफ द आपके कॉमर्स में आप लोग हमेशा पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो, सीखने वाले हो, समझने वाले हो, जो आपके हमेशा काम आएगी, वो सब बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। और आज की पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस किनी चुनी 3 से 4 टर्म्स में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आपको पता लग गया हम क्या करने वाले हैं, बेसिक टर्म्स। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक टर्म्स से। हमारी जो पहली बेसिक टर्म है वो है बच्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको पता हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब है एनी फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजेक्शन एंटर इन टू बाई टू पार्टीज दैट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत से बच्चे होंगे जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वो लोग तो देखते ही होंगे। फिर बता देता हूँ कि नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस में दो लोगों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल इवेंट, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्रिएट किया जाती है, मीन्स दो लोगों के द्वारा कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन क्रिएट करना जिससे कि बिजनेस के अंदर फाइनेंस का, पैसे का कोई ना कोई इफेक्ट क्रिएट हो, दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर वो जो ट्रांजेक्शन हुई, दो लोगों ने जो लेन देन किया उससे उनके बीच में कैश का आदान प्रदान हो, वो ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार के द्वारा जो सामान बेचा जाता है तो एक ट्रांजेक्शन, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई है, माल बेचा। बेचने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले से उसको पैसा आएगा ही आएगा, सिर्फ माल गया, उस माल की जो वर्थ वैल्यू थी, मनी वर्थ थी, वो क्रेडिट में गई है। अब उसको कहीं ना कहीं उस दुकानदार द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, नोट डाउन किया जाएगा, तो ट्रांजेक्शन जो है उस बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल इफेक्ट क्रिएट कर रही है, जिससे ये पता लग रहा है कि बिजनेस में से इतने रुपए का माल बाहर गया है और उसके बदले में इतना रुपया आज नहीं तो कल आने वाला है। मीन्स दो लोगों द्वारा, एक अकेले व्यक्ति नहीं, दो लोगों द्वारा, टू पार्टीज के द्वारा ये ट्रांजेक्शन, ये इवेंट जो है क्रिएट किया गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेकेंड बेसिक टर्म हम बच्चे बात करते हैं अकाउंट की। तो अकाउंट क्या है, अकाउंट का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, इट शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शंस ऑफ अकाउंट। मीन्स हम बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर,
एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा टी शेप अकाउंट बनता है, ये हमारा टी शेप अकाउंट बनता है। इस टी शेप अकाउंट का मान लीजिए कि ये अकाउंट हमने किसी का बनाया, ए का बनाया, एक अकाउंट बन रहा है और ए के द्वारा जितने भी लेन देन होंगे, जितने भी लेन देन होंगे वो सभी उसी पर्टिकुलर हेड के अंदर नोट होंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, अब वो पर्टिकुलर हेड तो है ए का अकाउंट है, ए के अकाउंट में सिर्फ ए से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया। इट शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ अकाउंट, मतलब ये हमें बताएगा कि ए के द्वारा कितना पैसा लिया गया, कितना पैसा दिया, मतलब उसके द्वारा उस पर्टिकुलर हेड में उसके द्वारा होने वाले इफेक्ट्स और डायरेक्शंस को ये क्लियरली शो करेगा हमारा अकाउंट। तो बताता हूँ, फिर से बताते हैं, अकाउंट क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड दैट शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ अमाउंट। एक पर्टिकुलर हेड जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जिससे हमें उसके इफेक्ट्स और डायरेक्शन के बारे में पता लगता है। फिर हम बात करते हैं बच्चे कैपिटल के बारे में, कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब बच्चे ओनर द्वारा, मतलब मान लो कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मेरे द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाने वाली हर वो चीज, चाहे वो पैसे के रूप में है मनी और मनी वर्थ, या ऐसी कोई चीज जिसको हम पैसों में आंक सकते हैं, जिसको हम जिसकी वैल्यूज को हम पैसों में इवेल्युएट कर सकते हैं, पैसा हो गया और मान लो कि मेरी बाइक है, मेरी गाड़ी है जिसको मैंने बिजनेस में बिजनेस पर्पज के लिए लगा दिया, अब उस बिजनेस की उस गाड़ी की वैल्यू है 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी उसकी वैल्यू है, वो एक वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू जो कि मैंने बिजनेस के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, दैट इज द मनी और मनी वर्थ। हर वो चीज जो बिजनेस ओनर द्वारा बिजनेस के अंदर पैसों के फॉर्म में या फिर पैसों जैसी किसी भी चीज रूप में उसको इन्वेस्ट किया गया है, दैट इज द कैपिटल। अब मैं एक बात कहता हूं कि कैपिटल हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा याद रखना बच्चे, बिजनेस और बिजनेसमैन बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही डिफरेंट होते हैं, बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज। ओनर द्वारा बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें लगाई गई हैं, हमेशा ओनर की उम्मीद होती है, ओनर यही चाहता है कि एक टाइम पे बिजनेस उसको सब चीजें वापस लौटा दे। दैट मींस कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, इसीलिए उनको सेपरेट लीगल एंटिटीज माना जाता है। ठीक है, कैपिटल मीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर द्वारा वो चीज जो पैसों या पैसे के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चे जो हमारा नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है हमारा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मीन्स मनी और मनी वर्थ, पैसा या पैसे के रूप में, पैसा या ऐसी कोई चीज जिसको हम पैसों में इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर ओनर द्वारा, फिर बात करते हैं मनी और मनी वर्थ, पैसा या ऐसी कोई चीज जिसको पैसों में इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर ओनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए, टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ओनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए अगर उसको बिजनेस से निकाल लिया जाए तो उसे बोलते हैं क्या, ड्रॉइंग्स। लेकिन ये बात याद रखना, अदर देन प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट भी बिजनेस का ही एक पार्ट है और प्रॉफिट को अगर ओनर द्वारा बिजनेस से निकाला जाता है तो वो ड्रॉइंग्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो बिजनेस की ड्यूटी है कि बिजनेस ने ओनर को प्रॉफिट दिया और वो प्रॉफिट बिजनेस का खुद पार्टनर का खुद का है, ओनर खुद का है, वो उसको किसी भी रूप में कभी भी निकाल सकता है, कभी भी यूज कर सकता है। लेकिन यहां पे बात हो रही है that money or money worth taken by the owner for personal use other than profit, profit नहीं, profit को छोड़कर कोई भी चीज businessman द्वारा अगर वो write off की जा रही है तो। example देता हूँ, मान लीजिए कि मेरा एक business है
ठीक है। और मान लो मैं एक शॉप है, किराने की शॉप है, बुक शॉप है, बुक शॉप है, और मैंने बुक शॉप में से कुछ बुक्स निकाल कर या कुछ चीज निकाल कर मैंने अपने बच्चे को दे दिया पर्सनली उसके लिए, भैया लो अपना बेटा ले ले जा, उसको पढ़ना है, उसको स्कूल में जरूरत है, वो मेरे से दुकान से आकर लेके चला गया। लेकिन अगर वही चीज मैं मार्केट में बेच देता हूँ तो उसका मुझे पैसा मिलेगा। मान लो कि मैंने 20 रुपए की कॉपी उसको दे दी, मार्केट में उसको बेचता मैं 30 रुपए का, ठीक है, अब वो 30 रुपए की चीज मार्केट में बिकती तो मुझे 30 रुपए आते, 10 रुपए प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने उसको बेचने के बजाय अपने बच्चों को दे दिया, अब वो 20 रुपया तो मेरी मार्केट मेरी दुकान से निकल के 20 रुपया गया ना मेरे घर पे गया, अब उसको कहीं ना कहीं मुझे अपने अकाउंट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भैया वो 20 रुपए की चीज कहाँ गई है। अब उस पर पैसा तो आया नहीं है, पैसा आया नहीं है, उधार किसी को दिया नहीं है, तो कहाँ गया है? तो वो एक ड्राइंग फॉर्म में होगा, ड्राइंग्स के फॉर्म में होगा, मतलब पैसा या पैसे जैसी कोई भी चीज जिसको हम पैसों में इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर पार्टनर मतलब मेंबर द्वारा ओनर द्वारा अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाल ली जा रही है अदर देन प्रॉफिट, तो वो ड्रॉइंग्स बन जाती है बच्चे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटी क्या होता है? देखिए वैसे तो लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, लाइबिलिटी का मतलब बनता बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मतलब कि एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो जो चीजें उसको जिस जिसको देनी है वो उसको समय पर देता रहे, बिजनेस उसको समय समय पर लौटाते रहे, दैट इज द लाइबिलिटी, ठीक है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, अमाउंट ओड और अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, मतलब वो पैसा जो बिजनेस ने किसी से लिया है या जो बिजनेस को आज नहीं तो कल वापस लौटाना है, दैट इज द लाइबिलिटी, मतलब वो पैसा या तो बिजनेस ने किसी से लिया है या आज नहीं तो कल किसी को वापस लौटाना ही लौटाना है, दैट इज द लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। फिर बात करते हैं लाइबिलिटीज को बच्चे, वैसे देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस है बिजनेस के अंदर और बिजनेस के बाहर। अब बिजनेस के अंदर की चीजें भी लाइबिलिटी में आते हैं, अब वो कैसे, अभी बिजनेस के अंदर तो बिजनेस की खुद की चीज होगी, वो बिजनेस का खुद का होना चाहिए, लेकिन फिर भी बिजनेस की वो लाइबिलिटी है, वो कैसे है, कहता है कि टुवार्ड्स ओनर, मतलब अभी भी देखिए मैंने एक बात बताया था, हमने कैपिटल जब हमने स्टडी की थी, मैंने कैपिटल कहा था कि कैपिटल में आप ये मान के चलिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है, दैट अमाउंट जो पैसा या पैसे के रूप में कोई चीज बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है, दैट कैपिटल, वो कैपिटल भी एक प्रकार की बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, जो आज नहीं तो कल बिजनेस को उस बिजनेसमैन को वापस लौटानी ही पड़ेगी। तो इंटरनल लाइबिलिटी टुवार्ड्स ओनर, अब ओनर के प्रति उसकी लाइबिलिटी, पहली लाइबिलिटी बन जाती है प्रॉफिट। बिजनेसमैन ने बिजनेस में अगर कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसका एक ही मकसद है, ताकि वो उससे प्रॉफिट अर्न कर सके, और बिजनेस की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने बिजनेसमैन जिस व्यक्ति ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, एक विश्वास दिखाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको टाइम टू टाइम प्रॉफिट जरूर दे, ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आउटसाइड लाइबिलिटी ड्यू टू द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिजनेस के बाहर की कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के कारण क्रिएट हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से उधार पे कुछ लिया, मेरी दुकान मुझे माल लेना था, मैंने उधार पे माल मंगाया, तो जिससे मैंने उधार पे माल मंगाया है उसको मुझे पैसा तो वापस लौटाना ही है, तो दैट आउटसाइड लाइबिलिटी ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड बोरोइंग्स, उधार पे माल मंगाया वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, या मैंने किसी से उधार पे पैसा ले लिया, भैया 5-10 लाख रुपए ले लिया, बैंक से ले लिया बोरोइंग्स के रूप में, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब बात करते हैं हम कि इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन, हम बात करते हैं कि ये तो हमने नॉर्मल टाइप पर बात की कि लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन अकाउंटिंग फॉर्म में बात करें तो अकाउंटिंग फॉर्म में लाइबिलिटी के दो पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। देखिए नॉन करंट एंड करंट, करंट का मतलब आपको पता होगा, करंट का मतलब साइंस में मत चले जाना, करंट का मतलब यहां पे है चालू, मींस करंट पोजीशन में होने वाली चीजें, नॉन करंट मतलब कि जो कि आज नहीं वो कल होने वाली है, ठीक है। हम बात करते हैं पहले नॉन करंट की, नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, वो पैसा जो बिजनेस को आज नहीं 1 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद लौटाना है, मतलब जिसको लौटाने की किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है,
बिजनेसमैन को किसी भी प्रकार की कोई हरी नहीं है कि उस पैसे को लौटाया जाए, उसको एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल, ये नहीं है कि नहीं लौटाना, लौटाना है, लेकिन उसको लौटाने के लिए उसके पास सफिशियंट टाइम है। दीज आर द नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पहले तो आपकी कैपिटल ही जो कि लाइफ टाइम बिजनेस में बनी रहेगी। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, वो उसकी एक प्रकार की नॉन करंट लायबिलिटी है। बिजनेस को वापस तो लौटाना ही, वो पैसा जब बिजनेस खत्म होगा तब लौटाना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो एक प्रकार की नॉन करंट लायबिलिटी है, मतलब कैपिटल को लौटाने की बिजनेस को कोई जल्दी नहीं है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिवेंचर बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल सकते हैं, बैंक लोन बोल सकते हैं, बहुत चीजें आते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गया नॉन करंट, मतलब जिसको लौटाने की कोई जल्दी नहीं, मोर देन 1, 2, 3, 4, 5, 10। और करंट लायबिलिटी विद इन द ईयर, एक साल के अंदर अंदर, जिनको हमें बहुत जल्दी वापस चुकाना ही है, विद इन द ईयर जिन लायबिलिटीज को हमें पे करना ही पड़ेगा, दीज आर द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एग्जांपल में हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती हैं, जिनसे हमने उधार पे थोड़ा बहुत माल लिया, अब जिनसे हम छोटा मोटा माल लेन देन कर रहे हैं, तो भैया उनको अब 5-10 साल की क्या जरूरत है, 10,000 का माल लिया तो 10 साल क्यों चुकाएंगे, उनको तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में वापस चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी मतलब की जो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है जिनके लिए हमें एक साल के अंदर अंदर हमें वापस लौटाना पड़ सकता है, उनको बोलते हैं क्या, करंट लायबिलिटीज। सो बेटा ये था हमारा बेसिक टर्म्स। मैं आपको देखिए हमारे पास हमने पढ़ी है उसी 4 बेसिक टर्म्स पढ़ी है। पहली हमने पढ़ी है बच्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने अकाउंट, पहले बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी, जो दो पार्टीज के द्वारा, दो पार्टीज के लेन देन के कारण जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इवेंट जो क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देन बोलते हैं अकाउंट, हर वो ट्रांजेक्शन जो एक पर्टिकुलर हेड के अंडर हमने जो रिकॉर्ड करनी है उसको बोलते हैं हम क्या, अकाउंट। देन कैपिटल, द अमाउंट और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ, हर वो चीज मतलब वो पैसा या वो चीज जो बिजनेस में ओनर द्वारा इन्वेस्ट की गई है, दैट इज द कैपिटल। ड्रॉइंग्स, पैसा या पैसे जैसी कोई चीज जिसको हम पैसों में आंक सकते हैं, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको राइट ऑफ कर लिया, बिजनेस से लिया और उसको वापस तो देगा ही, लेकिन उसको पर्सनल यूज के लिए, तो दीज आर द ड्राइंग्स। फिर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, जो मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पे, जिनको हमें समय पर लौटाना है, आज नहीं तो कल लौटाना ही लौटाना है। एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल टुवर्ड्स ओनर, एक्सटर्नल फॉर द आउटसाइड लाइबिलिटीज ड्यू टू द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस और बाय द बॉरोइंग्स। देन For the classification of liabilities, non-current liability and current liability. Non-current liability means amount to be paid more than 1 year, 2 year, 5 year, and current liability within paid to have to be within 1 year. जिनको हमें एक साल के अंदर अंदर लौटाना ही लौटाना है। So ये तो बेटा हमारा पहली वीडियो जिसके अंदर हमने business transaction या business basic terms के बारे में पढ़ा, और I hope कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए शुरू किया ताकि हम जब first chapter की तरफ बढ़े तो आपको first chapter में जब आपके सामने ये words वहाँ पर आए तो आपको इनके words के मतलब पता हो कि हाँ ये words क्या है, क्यों है, तो उस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये इसीलिए हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू किया ताकि आपको फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट थर्ड जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो, अकाउंट्स पूरा पढ़ने वाले हो, उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।